गांधी जयंती के एक दिन पूर्व देश में आज स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शिमला में भी संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय दूरसंचार विभाग द्वारा शिमला के रेलवे स्टेशन के आसपास सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर संचार लेखा नियंत्रक शिल्पी सिन्हा ने कहा कि इस तरह के अभियान को एक दिन ही नहीं बल्कि पूरे वर्ष पर चलाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये अत्यंत सराहनीय कार्य है और एक घंटा अगर हम प्रत्येक दिन करें इस चीज़ को प्रत्येक व्यक्ति, तो जो महात्मा गांधी का विजन था स्वच्छ भारत साफ भारत, वो उस पर हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएंगे और ना ही स्वच्छता का एक पैमाना बन जाएंगे बल्कि जो बीमारियां होती हैं गंदगी की वजह से वो भी कम हो जाएंगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था जो मोदी जी ने आज हम लोग को एक घंटे के लिए एक ही दिन किया, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि एक घंटा प्रत्येक दिन करे हर आदमी तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। वहीं केंद्रीय आयकर विभाग द्वारा भी शिमला रेलवे स्टेशन के पास स्थित पार्किंग में सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर आयकर आयुक्त प्रधान सुनील वर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के मकसद से आज देश भर में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा के अभियान के तहत हम लोग ये सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये नीचे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के ऊपर ये पार्किंग प्लेस है, इसमें काफ़ी सारी गंदगी थी, हमने इसको आइडेंटिफाई किया था 4-1 दिन पहले। तो आज हमारे सभी कर्मचारी अधिकारी सभी इसमें लगे हैं कार्य में और हम ये चाहते हैं कि इस तरह की ये एक हम लोग की सब साफ सफाई जो है ना एक जीवन शैली बन जाए, ना कि सिर्फ एक अभियान के तहत ही हम लोग साफ सफाई करें। जिस तरह हम अपने घरों में एकदम साफ सुथरा रखते हैं, उसी तरह मुझे लगता है हम लोगों को अपने घर के बाहर का पर्यावरण भी साफ ही रखना चाहिए, क्योंकि घर में साफ सफाई और बाहर गंदगी हो तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता, क्योंकि बाहर की गंदगी से कीटाणु हमारे घरों में भी घुसते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये एक हम लोगों की जीवन शैली बने ताकि हम लोग अपने घरों की तरह बाहर भी पर्यावरण को साफ सुथरा रखें।